सो हे गेमर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो यार आप लोग? गाइस फाइनली हमारे गेम के अंदर न्यू विंटर असेसियन रॉयल आ चुका है, जहां पर हमें चार तगड़े तगड़े रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। और भाई ये चारों जो रिवॉर्ड्स आप लोगों को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी विंटर के थीम पे बनाया गया है। सबसे पहले तो आप लोग को मिलेगा एक स्कार्फ, जो कि यार दिखने में ठीक ठाक से लग रहा है, एवरेज काफी बढ़िया लग रहा है। और ये आप लोग को एक टोकन को निकालने के बाद मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को फीमेल का बंडल मिलेगा, जो कि यार दो टोकन पे आप लोग को मिलने वाला है। फीमेल का बंडल भी एवरेज काफी सही लगने वाला है। उसके बाद गाइस आप लोग को मिलेगा एक विंटर के थीम पे बनाया गया फिस्ट का स्किन, जो कि लिटरली मुझे काफी पसंद आया यार। आप लोगों को पसंद आया या फिर नहीं कमेंट के अंदर बताना, लेकिन यार मुझे ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये वाला फिस्ट का स्किन। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा लुक चेंजर का बंडल, जो कि यार लिटरली एकदम फुल बवाल लगने वाला है। जो कि सबसे पहले तो आप लोगों को एक बंडल मिलेगा, जो कि यार अभी आप लोग देख पा रहे होगे ये वाला बंडल, जो कि यार नॉर्मल सा बंडल है, उतना कुछ खास नहीं, लेकिन यार बंडल काफी सही है। उसके साथ-साथ आप लोगों को मिलने वाला है एक लुक चेंजर का इमोट, जो कि यार बहुत ज्यादा खतरनाक है। और साथ-साथ आप लोगों को ये वाला बंडल भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग कोई भी लुक रहोगे, माना कि देखो ये मैंने ड्रेस पहना है, ठीक है, तो अगर आप लोग चाहो तो इन गेम के अंदर ये जो लुक है वो आप लोग चेंज कर सकते हो कुछ इस हिसाब से, ठीक है। ऐसे करके आप लोग अपना जो लुक है वो चेंज करके ऐसा ड्रेस पहन लोगे, ठीक है। तो काफी सही लुक चेंजर होने वाला है। तो यहां पर हम लोग स्पिन करने वाले और देखते भाई हमारे टोटल कितने डायमंड जाने वाले। और गाइस अगर आपके पास डायमंड नहीं है तो इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, जिससे गाइस आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डायमंड ले सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देख लेना वीडियो के एंड तक। और मेरे पास है पूरे 2696 डायमंड यार, समझ रहे हो भाई, 2696 डायमंड है। तो यहां पर हम लोग स्पिन करने वाले और देखते भाई हमारे टोटल इसके अंदर कितने डायमंड लगने वाले। तो भैया आप लोग दिल थाम के बैठो। वैसे गाइस सच पूछो ना, तो यहां पर मुझे स्पिन करने में डर लग रहा है, क्योंकि यार बहुत टाइम ऐसा होता है करीना वाले 2-3 हजार डायमंड खा लेते हैं और हमें घंटा कुछ नहीं देते, ठीक है। तो गाइस यहां पर ना थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग भी डायमंड लगाना। सबसे पहले यहां पर हम लोग कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं। चलो गाइस यहां पर हम लोग लेते हैं नुल्ला कैरेक्टर, ठीक है। नुल्ला कैरेक्टर लगभग के मेरे लिए काफी सही है, तो यहां पर हम लोगों ने नुल्ला कैरेक्टर ले लिया। उसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं वेपन के अंदर, और जो हम लोगों ने हाथों में वेपन पकड़ रखा है उसे अनइक्विप कर देते हैं। गाइस अगर आप लोग ये ऐसा करते हो तो यार आपका थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है कि आप लोग कम डायमंड के अंदर कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर गाइस इसे हम लोग अनइक्विप कर देते हैं। अनइक्विप करने के बाद गाइस क्लियर कैच कर देते हैं। देन उसके बाद चलते हैं फटाफट से हम लोग यहां पर गोल्ड रॉयल के अंदर। गोल्ड रॉयल के अंदर जाने के बाद यहां पर हम लोग 10 का स्पिन धड़ाक से कर लेते हैं। धड़ाक से स्पिन करने के बाद टपाक से यहां पर स्किप कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहां पर हम लोग फटाफट से चलते हैं सिलेक्टेड बंडल के अंदर, और भाई यहां पर हम लोग फटाफट से स्पिन करते हैं। सबसे पहले तो 40 डायमंड का स्पिन कर लेते हैं और देखते हैं भाई क्या निकल कर। अरे टट्टी हग दिया भाई गरीना वालों ने। उसके बाद 180 डायमंड के यहां पर स्पिन कर लेते हैं। देखते भाई अगर 180 डायमंड मिल जाए तो मजे ही मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो 180 डायमंड के यहां पर स्पिन किया और भाई क्या मिला भैया, टोकन। भाई फाइनली मुझे टोकन मिल चुका है। 180 डायमंड में मुझे फाइनली टोकन मिल चुका है। नहीं, 180 डायमंड नहीं, इससे पहले भी मैंने 40 डायमंड लगाया था, तो मेरे कितने हो गए, 220 डायमंड हो गए। 220 डायमंड मुझे एक स्कार्फ मिला है और भाई फाइनली टोकन तो मिल गया। तो एक स्क्रीनशॉट तो बनता है भैया, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, क्या बोलते हो गाइस, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद गाइस यहां पर देखो कुछ इस टाइप से हमें मिल चुका है। अब यहां पर हम लोग ओके क्लिक कर लेते हैं। अब गाइस यहां पर हम लोग फिर से 40 डायमंड का स्पिन करते हैं और देखते हैं भाई 40 डायमंड के स्पिन के अंदर क्या निकल कर आता है। भाई फ्रेगमेंट यार, गरीना वाले यहां पर बहुत गंदा काटने वाले। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले प्राइस पूल देख लेते हैं। तो भाई प्राइस पूल के अंदर सबसे पहले तो टोकन दिया जा रहा है, टोकन का ही तो काम है भाई। उसके बाद फ्रेगमेंट्स मिल रहा है और एक बाइक का स्किन है, जो कि यार विंटर के थीम पे बनाया गया है, काफी सही है। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी दिए गए यार, काफी सही है यार। उसके साथ साथ गाइस यहां पर आप लोगों को अवतार बैनर वगैरह दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा तो अवतार बैनर ही है भाई, सभी यहां पर अवतार बैनर और टट्टी से रिवॉर्ड डाले गए हैं, ठीक है। तो यहां पर गाइस आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहता है कि आप लोगों को टट्टी से ही रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब टोकन मिलने का काफी कम चांस है, ठीक है। अब देखो यार मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूं, अगर आप लोगों को ये वाला बंडल निकालना है तो यहां पर आपके पूरे 4000 तक के डायमंड जा सकते हैं। अगर आप लोग लकी रहोगे तो 2500 से 3000 डायमंड के अंदर निकल जाएगा, लेकिन गाइस मैक्सिमम आप लोगों को 400 से 4500 डायमंड लगने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वाला बंडल निकालना है तो निकाल सकते हो। वैसे यार ये जो बंडल है वो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये गाइस ब्लू सेट के टाइप का बनाया गया है, लेकिन मुझे स्पेशली उतना अच्छा नहीं लगा कि भाई इसके लिए हमें 4000 डायमंड लगाना पड़े, तो उतना भी खास नहीं है। और बात करें लुक चेंजर इमोट के बारे में, तो गाइस ये जो मतलब लुक चेंजर का इमोट है ये मैं कभी यूज ही नहीं करता हूं भाई, मुझे मतलब याद भी नहीं है कि मैंने रैंपेज का इमोट कब यूज किया था, ठीक है। तो यार बंडल निकालने का कोई फायदा नहीं है, जब मैं यूज ही नहीं करूंगा बंडल का, यूज नहीं करूंगा इमोट का, यूज नहीं करूंगा, तो निकालने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसे यूज करना चाहते हो तो निकाल सकते हो। वैसे मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई 4000 डायमंड इसके लिए आप लोग उड़ा दो, लेकिन अगर आप लोग फिस्ट का स्किन निकालना है तो निकाल सकते हो। ये फिस्ट का स्किन आप लोग को मे बी 2500 डायमंड के आसपास में निकल सकता है, 2500 डायमंड से 3000 डायमंड मान लो, ठीक है। 2500 डायमंड के आसपास में आप लोग ये वाला फिस्ट का स्किन
जरूर से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर निकालें तो निकाल सकते हो, बाकी यार यहाँ पर मैं तो ज्यादा स्पिन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यार मैं यहाँ पर जो डायमंड बचा के रखा हूँ भाई वो मैं बचा के रखा हूँ सीजन वन के लिए, ठीक है। सीजन वन टू के लिए मैंने बचा के रखा है, बाकी अगर आप लोग निकालें तो निकाल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग बैग को खाली कर देते हैं, बैग को खाली कर लेते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते क्या निकल कर आता है। भाई मुझे पता है यार गरीना वाले इतनी आसानी से नहीं देंगे, पहला जो टोकन है वो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। पहला जो टोकन है वो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्लेम कर लिया है। पहला टोकन आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को स्कार्फ तो मिल ही जाएगा, लेकिन बाकी के जो टोकन है उसके लिए आप लोगों को रोना पड़ेगा भाई, लिटरली बहुत ज्यादा डायमंड्स काटने वाले हैं। गरीना वालों का ये स्ट्रेटजी है भाई, सबसे पहले हमसे डायमंड्स यहाँ पर लूट लेंगे, उसके बाद भाई सीजन वन टू यहाँ पर रिटर्न दे देंगे, ताकि हम लोग फिर से टॉपअप करें, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोगों को टॉपअप करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे गाइस आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डायमंड ले सकते हो। बेसिकली गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली से उस लिंक पर क्लिक करना और गाइस आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस देखो यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करने के बदले 550 रुपए मिलने वाले, तो आप लोगों को सिंपली से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस ओपन करने के बाद एक नए नंबर से साइनअप करना है, ठीक है। एक नए नंबर से साइनअप करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोगों को इनमें से कोई भी एक गेम खेलना और गाइस अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। उसके बाद गाइस उस पैसे को आप लोग इजीली विड्रॉ कर सकते हो या फिर वहां पर गेम्स खेल के और पैसे अर्न कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को फ्री फायर मैक्स भी देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा मस्त वाला ये एप्लीकेशन होने वाला है। और गाइस इसके साथ विंजो का कोलैबोरेशन है, तो चाहो तो आप लोग विंजो से ही फ्री में टॉपअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ओपी वाला ट्रिक है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एंड गाइस मैं भी विंजो से ही डायमंड लेता हूं, और गाइस आप लोग भी बिल्कुल ही फ्री में विंजो से डायमंड ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फटाफट से जाकर एक बार तो जरूर से ट्राई करना, ठीक है, और जाकर आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डायमंड ले सकते हो। तो बस मेरे भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, मैंने फाइनली आप लोगों को सारा कुछ बता दिया। होपफुली गाइस आप लोगों को आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।